अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अली सी ए वाई। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज आपको लेके जा रहे हैं जी हम इस्लामाबाद, वहाँ पे जाके देखते हैं हमें खाने के लिए क्या मिलता है, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं आप लोगों की पहुँच में भी हो, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सस्ते से सस्ता खाना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अक्सर हम लोग बड़े होटल को देख के पीछे हो जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि अंदर जाएंगे पता नहीं कितने टैक्सीज हैं, क्या चार्जेस हैं, क्या नहीं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूं जो खाने में भी अच्छी हो और क्वालिटी में भी अच्छी हो। अगर उसका टेस्ट अच्छा है तो मैं उसके कमेंट्स अच्छे दूंगा, अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं तो उसके मैं कमेंट्स अच्छे नहीं दूँगा। रास्ते में जाते जाते आप लोगों को एक और चीज़ टेस्ट करवाते हैं। अगर आप लोग भी जीटी रोड पर सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर जाते जाते अंदरस्से खाएँ। अंदरस्से नाम तो सुना होगा आपने, खाने में बड़ा मज़ा है इनका। आए आपको बताते हैं कि ताज़ा और स्पेशल अंदरस्से कहाँ से मिलते हैं। नहीं नहीं, जलेबी नहीं लेनी, बस यही लेने अंदरस्से ही लेने बस। वजन किस तरह किलो है? 360 रुपए किलो। बनाते किस चीज़ दे? चावलों के बनते हैं। खाने में बड़ा टेस्ट है जी इनका, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, साथ साथ सफ़र करते जाएं, साथ साथ खाते जाएं। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं जी पिंडी में, एक हमारे पास चीज़ीएस सिलेक्शन में आई है, यहां का पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं चीज़ीएस वालों का। तो अंदर चलते हैं, जाके देखते हैं कौन सा इनके पास स्पेशल पिज़्ज़ा है। कोविड की वजह से इन्होंने ये बंद किया हुआ है सारा, कोविड की वजह से सारा बंद है, अंदर आप डाइन नहीं करवा सकते। यहाँ का पिज़्ज़ा क्राउन पिज़्ज़ा बड़ा मशहूर है जी, यहाँ रावलपिंडी में इनकी ब्रांचेज है, उसका लिंक मैं नीचे लगा दूँगा। और इसके अलावा इनके पास आइसक्रीम भी है, आप ये भी टेस्ट करना चाहें तो ये भी मिल जाएगी। ले जी पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है जी हमारा, साथ में है जी इसके फ्राइज़, इसके अलावा ये है जी क्राउन पिज़्ज़ा। अंदर बैठने की जगह तो उन्होंने हमें दी नहीं, तो हमने कहा चलो गाड़ी में बैठ के साथ साथ खाते हैं, साथ साथ टेस्ट करते हैं। चेक करते हैं जी, वैसे ही इनको कहते हैं चीज़ीस, इनका नाम है एक अपना। रावलपिंडी में उन्होंने बंद करवाया हुआ सारा कुछ कोरोना की वजह से, आप लोगों ने जो भी लेना गाड़ी में बैठ के खाएं। तो मैंने कहा चलें इसी बहाने गाड़ी में साथ साथ आप लोगों को भी चेक करवाते हैं इनका पिज़्ज़ा, वरना अंदर बैठ के खाते तो और मज़ा आता, लेकिन यहाँ पे भी मज़ा आ रहा है। पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था इनका। रही प्राइस की बात, 600 में स्मॉल, 1200 का मीडियम और लार्ज की 1800 रुपये प्राइस है इनकी। लें जी पिज़्ज़ा खाने के बाद अब हम मौजूद हैं जी रिफ्रेशमेंट सेंटर रावलपिंडी में। इनके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, इनके दही भल्ले, फ्रूट चाट, चना चाट, इस तरह की काफ़ी चीज़ें इनकी काफ़ी फेमस हैं। तो आज हम इनकी ट्राई करेंगे, फ्रूट चाट और चना चाट, फ्रूट चाट और दही भल्ले दोनों टेस्ट करते हैं जी आज। ये है जी इनके दही भल्ले, मुझे ज़्यादा टेस्टी दही भल्ले लगे इनके फ्रूट चाट की निस्बत में। रिफ़्रेशमेंट सेंटर की अगर बात की जाए तो इनकी प्राइस 140 रुपये फ्रूट चाट और 140 रुपये में ही दही भल्ले, और भी आप कुछ खाना चाहें तो उनके डिफरेंट रेट्स हैं जी। फाइनली आज की वीडियो यहाँ पे हम करते हैं जी स्टॉप। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए दें जी इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।